फिर दोस्तों मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी आपके सुविधा के लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425308111 है। आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपका आभारी हूँ। आज एक नया वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको प्यार से सुनिए। मीन राशि का गुरु शुक्र, जिसके भी कुंडली में मीन राशि का गुरु शुक्र युक्ति है, वो भाग्य को नई दिशा देता है, चमकाता है, क्योंकि मीन राशि में शुक्र उंचका हो जाता है, गुरु स्वग्रही हो जाता है। ये दोनों ग्रह आपस में दुशत्रु अवश्य हैं, परंतु वहाँ जाकर जो इनका प्रभाव कुछ और होता है। अब आप लोग सुनते चलिए। जिस व्यक्ति का प्रथम भाव में लग्न में मीन राशि हो, उसमें गुरु और शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग तेजस्वी होते हैं, समझदार होते हैं, कार्य करने की शैली इनकी अच्छी होती है, सोच इनके अच्छे होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, हिम्मती होते हैं, बहादुर होते हैं। जिस व्यक्ति के दूसरे भाव में मीन राशि हो, उसमें गुरु शुक्र की युक्ति हो, ये धन जन से संपन्न होते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं, अच्छी उन्नति करते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। जिस व्यक्ति के कुंडली में तीसरे भाव में मीन राशि हो, उसमें गुरु शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोगों के भाग्य बहुत कम उम्र में भाग्य का उदय हो जाता है। ऐसे लोग माता पिता के प्रिय होते हैं, माता पिता से भी अच्छी जायदाद मिलती है और अपने जीवन में अच्छी जमीन मकान जायदाद का निर्माण करके जीवन को सफल बनाते हैं। जिस व्यक्ति के चौथे भाव में मीन राशि हो, उसमें गुरु और शुक्र बैठा हुआ हो, ऐसे कुंडली वाले ऐसे व्यक्ति संसारिक सुख अच्छा पाते हैं, सुंदर भोजन, सुंदर वस्त्र, सुंदर आवास, महिला तो सुख है तो योग पति, पुरुष है तो योग पत्नी की प्राप्ति करता है और अपना जीवन ऐसो आराम से व्यतीत करता है। जिस व्यक्ति के पांचवें भाव में मीन का राशि हो, उसमें गुरु शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग पूर्ण विद्वान बनते हैं, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, कभी बेरोजगार नहीं होते हैं। ऐसे कुंडली वाले जीवन में इच्छा अनुसार सफलता प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति के कन्या राशि में छठवें भाव में मीन राशि हो, उसमें शुक्र गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग शत्रु विहीन होते हैं, कभी जेल नहीं जाते हैं, इनके कभी चरित्र खराब नहीं होते हैं, कभी सोच इनकी गंदी नहीं होती है और समाज में मित्रों के बीच में सरकार से पूजे जाते हैं। जिस व्यक्ति के सातवें भाव में मीन राशि हो, उसमें गुरु शुक्र की युक्ति बैठी हुई हो, ऐसे लोग व्यापारिक होते हैं, उद्योगपति होते हैं, लोहे जमीन केमिकल के व्यापार से अच्छा धन कमाते हैं, कुमारी लड़का लड़की हैं तो इच्छा अनुसार शादी होती है, ऐसे महिला पुरुष का अपने इच्छा से लंबे शादी होती है और शादी पारिवारिक जीवन सफल होता है। जिस व्यक्ति के कुंडली में आठवें भाव में मीन राशि हो, उसमें गुरु शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग स्वास्थ्य की चिंता होती है, ऐसे लोगों के आँख से संबंधित रोग होता है, ऐसे लोगों के एक्सीडेंट की भी संभावना होती है। जिस व्यक्ति के नौवें भाव में मीन राशि हो, उसमें गुरु शुक्र की युक्ति हो, ऐसे व्यक्ति राजनीति में सफलता पाते हैं, मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं और सरकार के द्वारा उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, छोटी नौकरी कर करके अधिकारी बनते हैं। जिस व्यक्ति के दसवें भाव में मीन राशि हो, उसमें गुरु शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोगों का जीवन संघर्ष में जाता है, उलझनों में व्यतीत होता है, कर्जदार हो जाते हैं, कर्जे के कारण की इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद होती है। जिस व्यक्ति के ग्रामे भाव में मीन राशि हो, उसमें गुरु शुक्र की युक्ति बनती हो,
ऐसे लोग विदेश में असफल होते हैं, विदेश जाने का योग मिलता मगर विदेश में सफलता नहीं पाते हैं, ऐसे व्यक्ति नौकरी से सस्पेंड हो जाते हैं, व्यापार में लाखों करोड़ों का घाटा खाते हैं और जीवन अधूरा रह जाता है। जिस व्यक्ति के बारहवें भाव में मीन राशि हो, उसमें गुरु शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग जीवन में पूर्ण सफल रहते हैं, अच्छा जमीन जायदाद मकान का निर्माण करते हैं, समाज में अच्छा पद पाते हैं, ऐसे लोग IAS IPS बनते हैं, ऐसे लोग उद्योगपति बनते हैं, ऐसे लोगों के संतान योग्य होते हैं, ऐसे लोग सामाजिक कार्य करते हैं, ऐसे लोग मंदिर धर्मशाला हॉस्पिटल का निर्माण करते हैं और पूर्ण जीवन में यश कृति प्राप्त करते हैं। दोस्तों, छोटा सा वीडियो मीन राशि का गुरु शुक्र आपके के भाग्य को नई दिशा देता है, चमकाता है। इस वीडियो को देखिए, इसे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझको मोबाइल पर संपर्क करिए, मैं आपको सहयोग करने का कोशिश करूंगा। इतना करते हुए वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार।